नमस्कार, इंडिसन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इंडिसन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता गंवाने के बाद शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर बोला जमकर हमला। लोकसभा सांसदों के जाने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राहुल गांधी। लैंड फॉर जॉब स्कैम, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी सीबीआई। राहुल से सांसद छीनने पर काली पट्टी बांध कर एमवीए विधायकों का प्रदर्शन। केजरीवाल का एलजी पर निशाना, लगाया फ्री बिजली बंद कराने की साजिश का आरोप। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने एरिक ग्रोसेटी, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने दिलाई शपथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 124 उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में कोरोना वायरस के 152 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 6.66%। नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियाई ओपन, राफेल नडाल की बराबरी। और सलमान खान को धमकी मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, लंदन कलेक्शन को लेकर पुलिस अभी भी है कंफ्यूज।